तीनों वीकेंड के बाद में अननेसेसरी मनीषा को टारगेट किया जा रहा है। 3 वीक से मनीषा से ही टीआरपी ले रहे हो और मनीषा को ही टारगेट कर रहे हो, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। आशिका भाटिया जाती है और मनीषा फूट फूट के रोने लग जाती है। हद तक किसी को टारगेट करो, इतना भी ना हो जाए कि उसकी रोने पर भी एक सवाल उठा लो जब वो रो रही है। सलमान साहब मनीषा को क्या इसलिए डांट रहे हैं कि उन्होंने पूजा भट्ट के सो कॉल्ड कास्टिंग के डिसीजन को नहीं माना? तो ये वर्डिंग से समझ में आता है कि पूजा मैम को कितना पर्सनल उसके साथ है। इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड है वर्सेस आउटसाइडर, क्योंकि ऐसा ही सेम सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था। मेरे पापा तो बोलते यार ले आओ, मुझे नहीं जीतना, मुझे ये नहीं करना, क्यों एल्विस को जाके चुप कराती हूँ तो आप उसको बोलते बैचर डोंट इरिटेट। वो सच में ये इरिटेटिंग था। आपको टीआरपी भी मनीषा से चाहिए, टारगेट भी मनीषा को करना। दीदी अंकल जी घर पे जा रहे हैं ये बात तो हम सबको पता है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैसेजेस लेकर जा रहे हैं, आपने अपनी तरफ से पर्सनल क्या मैसेज दिया है? पापा जब जाएंगे तो बहुत रोते हैं, पापा रोएंगे तो वो कुछ समझा नहीं पाएंगे, इतना मुझे पता है। जब मैं भी बोलती हूँ कि पापा ऐसे से बोला, पापा बोलते हेडो मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे बस अपनी बेटी से मिलना है, तो ये वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में और इस वक्त हमारे साथ बिग बॉस की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट मनीषा रानी की सिस्टर हैं। दीदी 3 वीकेंड के वार हो चुके हैं, बैक टू बैक तीनों वीकेंड के वार में अननेसेसरी मनीषा को टारगेट किया जा रहा है, अननेसेसरी मनीषा को धमकियां इनडायरेक्ट वे में दी जा रही हैं कि ज्यादा उड़ोगी पर कट जाएंगे ये वो। क्या कहना चाहते हैं आप और कैसा माहौल है इस वक्त घर का? बिल्कुल मतलब कि एज अ सिस्टर मैं ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। जिस तरीके से उसे टारगेट किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। आप 3 वीक से मनीषा से ही टीआरपी ले रहे हो और मनीषा को ही टारगेट कर रहे हो, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि ऐसा इमोशनल एक आ जाता है, क्योंकि बहन को मेरी सिस्टर को इस तरीके से टारगेट मैंने लाइफ में अभी नहीं देखा। क्योंकि एक सपना लेके लोग जाते हैं मुंबई बिग बॉस में जाना उसका सपना था, बट उसको एज अ सिंपल टारगेट आपको मिल गया है। क्योंकि वो इतने लेवल तक नहीं लड़ सकती किसी से भी, अपनी बातें एक हद तक रख सकती है, जब उसको भर जाता है तब वो जाके रोने लगती है, तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जी आशिका भाटिया जाती है और मनीषा फूट फूट के रोने लग जाती है। हम देखते हैं कि जिया बेबिका और पूजा भट्ट तीनों कहती हैं कि लो फुटेज इसका निकल गया आज का, और बेबिका तो ये तक कह देती है कि इसकी पेट चली गई क्योंकि वो पेट बना के रखती थी उसको, उनका मानना था इस वजह से वो रो रही है कि पेट चली गई। क्या कहना चाहेंगे इस इनह्यूमैनिटी के चेहरे को? बिल्कुल मुझे तो लगता है कि वो लोग सारे फुटेज ले रहे थे ये बात बोल के, क्योंकि कैमरा उसी लोग पे था। ये मतलब जब आप एक हद तक किसी को टारगेट करो, इतना भी ना हो जाए कि उसकी रोने पर भी एक सवाल उठा लो जब वो रो रही है, तो आप उसको अच्छा नहीं बोल के तो उसको बुरा भी मत बोलो। आप कोई नहीं होते कि किसी के रोने पे भी एक सवाल उठना कि उसने गलत उठाया। जब ये सब मुद्दा होता है किसी की फीलिंग्स के साथ आप खेल रहे हो बोलने के लिए, बट एक अननेसेसरी मुद्दे उठा लेते हैं वीकेंड के वार में जो बिल्कुल जायज नहीं है बोलना कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल अननेसेसरी इन लोग की बातें लगती है। मुझे लगता है कहीं से ये लोग सारे फुटेज खा रहे हैं। सलमान साहब मनीषा को क्या इसलिए डांट रहे हैं कि उन्होंने पूजा भट्ट के सो कॉल्ड कास्टिंग के डिसीजन को नहीं माना और वो पूजा भट्ट के अगेंस्ट एकदम स्ट्रांगली बिहेव कर रही हैं? बिल्कुल जब कोई आपसे बढ़ के जब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उस घर में होते हैं तो कहीं ना कहीं सबको एक खटकने लगता है कि यार मेरे से, जब वो 2 वीक जब मनीषा स्टार्टिंग में थी तो ऐसा सब लोग को लग रहा था यार गांव से आई है, सॉफ्ट पर्सन है, इसको जैसे घुमाएंगे वैसे घूमेगी। बट जब डे बाय डे सबको पता चल गया कि आप सी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, तो वो सब लोग को खटकने लगा। जब मनीषा ने उसे टैग दिया पासिंग शॉट का, तो मनीषा साफ इनकार कर दिया। जब उसे विलन का टैग दिया गया तो पूजा मैम का था, स्टार्टिंग से वो माइंड अपना सेट करके गई थी कि उसे किसको विलन का देना है किसको हीरोइन का देना है, तो ये चीज उसको एक ईगो में लग गया कि यार मनीषा मुझे ना कैसे कर सकती, क्योंकि उनकी वर्ड थी कि
मनीषा ही डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कास्टिंग है, जो भी है हीरोइन है, सब कुछ मनीषा ही। तो ये वर्डिंग से समझ में आता है कि पूजा मैम को कितना पर्सनल उसके साथ है। जी, क्या लगता है पूजा भट्ट, जब से मैं आपको बता दूं तो जब से पूजा भट्ट ने बैक टू बैक मनीषा को टारगेट करना शुरू किया है, चाहे वो नार्सिसिस्ट लेकर हो, चाहे वो कितना ये अनहाइजीनिक है, या फिर कल के दिन वो ये बात बोलते हुए नजर आए, एक थप्पड़ मारूंगी इसका, एक डिबेट शुरू हो गया है इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड है वर्सेस आउटसाइडर। क्योंकि ऐसा ही सेम सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था, वो भी बिहार के थे और उनके साथ भी वो टैलेंटेड थे, वो उन्होंने अपने दम पे अपना नाम बनाया था। आपको क्या कहना है दीदी? एज अ फैमिली ये सब चीज देखना, मेरे पापा, मैं भी हूँ, मेरे पापा तो बोलते हैं यार ले आओ, मुझे नहीं जीतना, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से मेरे बच्ची को फेक दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, उसे हर बात पे टोका जा रहा है, रोका, उसकी इंटरटेनमेंट की भी बातें को टारगेट बना रहे हैं, जब वो गेम खेल रही है फिर भी उसकी बातों को एक टारगेट लेके चल रहे, जब वो किसी को समझा भी रही है तो भी उसकी बातें उसको गलत लग रही है। तो मेरा ही सवाल है कि आखिर मनीषा ही क्यों, मनीषा के साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल से है, नॉर्मल टाउन से है, बिहार, मुझे गर्व है अपने बिहार पे, क्योंकि मनीषा अपने लैंग्वेज को लेके एकदम स्ट्रांग रहती है कि कोई भी उसे कुछ नहीं बोल सकता इस चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को खटक रही है, वो चीज अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये 100 को इतना कोई 100% दे रहा है, जिस तरीके से जिया को इतना फाइनल तक लेके जाना, क्योंकि वो बिन कुछ किए हुए ही इतना फाइनल तक चली गई, या जब कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको टारगेट बना दे रहे हो, इतने उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, मेंटली ऐसा कर रहे हो कि वो अपना गेम छोड़ के, और जब वो रोती भी है तो उसको बोला जाता है कि आप रो मत, जब वो गेम खेलती है तो आपको उसको बोला जाता आप गेम मत खेलो, तो आखिर उसको आप बोला है क्या, क्यों है, क्यों वो जोकर है कि आप उसको एज ए इंटरटेनमेंट के लिए बुलाए गए हैं। मनीषा इज नॉट अ जोकर, उसको फीलिंग्स है क्या, उसका इतना भी डी रिस्पेक्ट नहीं कर दो, मनीषा ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट, मनीषा को भी रिस्पेक्ट चाहिए, जिस तरीके से मनीषा को डे बाय डे आप इस तरीके से बोल रहे, जब वो एल्विस को जाके चुप कराती है तो आप उसको बोलते बैठ जाओ डोंट इरिटेट, वो सच में ये इरिटेटिंग था, मतलब अननेसेसरी बातें, मुझे इस चीज को देख के मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर आप इसलिए बुलाते हो लोग को वहां पे, कि लोग इतना सपना लेके जाते एक नॉर्मल फैमिली से, कितना स्ट्रगल करके, मैं वो बोल नहीं सकती, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए लोगों की, बट लोग जान रहे, जनता देख रहे इस चीज को, ये चीज, लोग अंधे बहरे नहीं है यहाँ पे, ये तो अच्छा है कि 24 आवर लाइव्स है, कि लोग की रियलिटी दिख रही है, आपको टीआरपी भी मनीषा से चाहिए, टारगेट भी मनीषा को करना है, तो ये है क्या, आपको क्या करना, आप चाहते क्या। दीदी, एक सवाल जो मेरे मन में बहुत खटक रहा है और ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो कॉन्वर्जेशन के लिए एल्विश को डांट पीड़ी थी, सबसे पहले तो वो हमको नहीं पता वो कॉन्वर्जेशन क्या थी, ठीक है, हमसे तो वो छुपाई गई है और प्लस एल्विश ने डांट खा ली, चलिए ठीक है, लेकिन उस कॉन्वर्जेशन में मनीषा को भी एकदम से इन्वॉल्व कर लिया गया। अभिषेक, चलो अभिषेक की भी गलती है क्योंकि अभिषेक ने बोला था चल हम इस बारे में बाहर बात करेंगे, जबकि मनीषा ने मना किया था, मनीषा कह रही नहीं नहीं मत बोला। अब वो उसका हंसमुख नेचर है, वो हंसते मतलब वो हमेशा ही हंसती रहती है, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा मना वो उस समय मना करती, लेकिन जिया भी तो वहां पे खड़ी थी, जिया को क्यों नहीं डांटा? बिल्कुल मेरा तो यही पॉइंट है कि आखिर आपने वोमेन की बातें की, तो वोमेन के कैरेक्टर पे एक वोमेन ही बात उठा रही है, हाइजीन पे बात, और एक पूजा मैम उसे बोल रही है नास्टिक, उसे बोल रही है कि मैम मुझे घिन आती, तो आप एक औरत के बारे में ही बात कर रहे हो क्या, मनीषा को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मनीषा को एज अ उसको सपोर्ट नहीं चाहिए, जिया को बोलना नहीं चाहिए कि जिया आप भी वहां पे इंक्लूड थे, अगर जिया इतनी सच्ची और अच्छी है तो जिया को उस टाइम एल्विस को रोकना चाहिए था, एल्विस ये गलत है, मनीषा ने एक बार रोका भी, बट आप घुमा फिरा के मनीषा को ही आप पॉइंट कर रहे हो, मनीषा आपको हंसना नहीं चाहिए, हंसती तो जिया भी है, जब आप सलमान सर जब भी कुछ समझाते तो जिया भी हंसती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब ये क्या जी है, आखिर ऐसा क्यों मनीषा के साथ ही क्यों। जी दीदी, अंकल जी घर पे जा रहे हैं, ये बात तो हम सबको पता है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या
क्या मैसेजेस लेकर जा रहे हैं? आपने अपनी तरफ से पर्सनल क्या मैसेज दिया है मनीषा के लिए, वो मुझे बताइए। बिल्कुल, पहली बात तो मेरे पापा इतने प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं समझते हैं, जिस तरीके से उनको गेम इतना समझ में नहीं आता है, बट पापा बस इतना देखते कि वो रो रही है तो यार उसे बुला लो, नहीं चाहिए मुझे ये गेम और ये प्लेटफॉर्म, जिस तरीके से मेरी बेटी को इतना रुलाया जा रहा है, उसको फेक बताया जा रहा है, तो पापा इतना नहीं समझते। जिस तरीके से मनीषा बहुत इमोशनल है, पापा उससे डबल इमोशनल है, पापा जब जाएंगे तो बहुत रोते हैं, पापा रोएंगे तो वो कुछ समझा नहीं पाएंगे, इतना मुझे पता है। जब मैं भी बोलती हूँ कि पापा ऐसे ऐसे बोला, पापा बोलते हटो मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे बस अपनी बेटी से मिलना है, तो यही वाला है। अभिषेक और एल्विश दोनों ही मनीषा के लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के रहे हैं, लेकिन बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि मनीषा उस ग्रुप को चला रही है, अभिषेक और एल्विश को अपने इशारों पे नचा रही है। क्या आपको फील होता है, बस ये बता दीजिए। फील तो ये बहुत बुरा फील होता है, और मुझे ये बहुत प्राउड भी फील लगता है कि मनीषा में इतना पेशेंस लेवल है। सच में मैं भी मनीषा को इतना पेशेंस नहीं दे, मुझमें भी इतना पेशेंस नहीं है मनीषा को। मनीषा इतनी सारी बातें सुन के चुप है, मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग को फिर भी गेम को फिर से उठती है, फिर खेलती है, फिर हंसने लगती है, किसी में भी इतनी गट्स नहीं है जितने भी कंटेस्टेंट है वहां पे। और मनीषा को ये बोला गया कि आप आग लगाते हो, क्या सच में मनीषा आग लगाती है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पूजा मैम बार बार अभिषेक को उकसाती है कि मनीषा को छोड़ दो, मनीषा ने ग्रुप, ये मनीषा की वर्ड थी, पूजा मैम ने बोला ये मनीषा की वर्ड थी अभिषेक, आप समझो कि मनीषा बोली है कि वो ग्रुप चलाती, बट ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मनीषा ने बोला कि ये ग्रुप प्यार से चलता है, मनी ये साफ इतना कॉन्फिडेंट झूठ बोलने का कि मनीषा ग्रुप चलाती है, मुझे घिन आती है मनीषा के साथ बैठने में। क्या बेबीका, जब किसी के बारे में, किसी के फैमिली के बारे में जो बोला मनीषा ने बोला, मनीषा तुरंत रियलाइज करके उससे सॉरी, बट इस चीज के लिए भी मनीषा की तारीफ नहीं हुई। सलमान सर ने बोला कुछ बोला ही नहीं, मतलब मनीषा ने क्लियर बोला कि सर मैंने ऐसे ऐसे बोला, जो बेबिका को भी सॉरी बोलना चाहिए बट छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सॉरी बेबिका का, बट फिर भी मनीषा को ही टारगेट करना है, तो ये फेक कौन है, आग कौन लगा रहा है, ये जनता सब जानती है, हम लोग भी सब जानते हैं। ये तो थैंक्स गॉड की जनता इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार करते, जो रियल है उसको समझते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड हम यही प्रे करेंगे कि मनीषा को जो वो वर्थ इट है उसको वही मिले। थैंक यू सो मच दीदी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राहुल।